देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है जंगल कप में। बिग ब्रूस ने गेंद को पकड़ा और दो प्रतियोगी से पीछा छुड़ाते हुए पेनल्टी एरिया तक पहुंचे। दूसरा प्रतियोगी तेजी से ब्रूस की तरफ बढ़ा, लेकिन ब्रूस गोल की तरफ बढ़ते चले गए और ये गोल। गेंद को गोलकीपर ने किसी तरह से रोकना चाहा, लेकिन देखते हैं इस पर रेफरी का क्या कहना है। पेनल्टी किक और ब्रूस इस पेनल्टी किक को पूरा करेंगे और ये गोल। और इसी के साथ इस गेम के विजेता है ब्रूस, एक शानदार पेनल्टी किक। थोड़ी देर सो लेता हूँ। क्या कर रहा है तू? अच्छा ठीक है, इतनी सुबह सुबह। लखा, महीना खत्म होने आ रहा है और तुमने अब तक लकड़ी नहीं पहुंचाई। तुम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो क्या? तुम मुझे सुन रहे हो? जरा आलसीपन से बाज आओ और जल्दी से उठकर पेड़ काटने निकल जाओ। लखा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जा रहा हूँ मैं। भाई, इस बार तो मैं तुम्हारी कटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ, मैं तैयार हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ, ये भी लो छोटे। छोटे, फिर से कोशिश करो। नहीं, कोई मतलब नहीं, तू हमेशा बाजी मार जाते हो। ये अंडे है। ये देखो। शायद मेरा शायद पसंदीदा चाहिए तो ले लो। हाँ बोलो। लखा, क्या तुम फिर से आलसी गिरी कर रहे हो? नहीं सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तुम अब भी इस महीने की सैलरी की उम्मीद रखते हो? अगर हाँ तो आज के आज 50 लकड़ियाँ पहुँचनी चाहिए। 50? लेकिन सर, मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो मेरी नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। मैं सो नहीं सकता, मुझे जागे रहना होगा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं इस तरह काम करते नहीं रह सकता। अरे हाँ, ये मैं अच्छी तरह बांध देता हूँ, फिर इसे अपने सर के ऊपर चिपका दूंगा और काम हो जाएगा। फिर मुझे नींद आएगी ही नहीं। काम शुरू। मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा करता हूँ, खुद को बांध ही देता हूँ। मेरे तरीके कितने अनोखे होते हैं ना। डब्लू जल्दी करो। रुक जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ। लखा अपने फिर से काम पर लग गया है, हमें उसे रोकना होगा। ये मानेगा नहीं हमारी बात। रुको। इस कड़ाके की ठंडी में देखो कैसे बच्चे की तरह सोया है ये। क्या सो रहा है? देखते हैं कैसे छोटा ही है। अरे उठो टकला, कैसे सो रहा है? देखो, बोलो बच्चे कैसे है? इसने मेरा मुंह में टोक दिया भाई। गिरो ना प्राणी। ये निशाना। और पेश है लखा का उछलता खिलौना, देखो।
ये तो बहुत बढ़िया है, वाह मजा आएगा देखने इसको। ओ, क्यों नहीं, चलो। अरे नहीं, ये तो राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज है। अरे मेरी शर्ट की बोतली। अबे रुक जा, ये तो उम्मीद से भी ज्यादा तेज निकला, अभी तुझे बजा चखाता हूँ। पकड़ लिया, तुझे शांति मिली, अब तो सुधर जा टकले। मेरी तो जान निकल गई थी, मेरी शर्ट की बोतली, लेकिन लक्का ने इसका सत्यानाश कर दिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा काम छोड़ दो। तुझे अभी वजह चखाता हूँ। आजा नीचे उतर, आजा आजा नीचे उतर, बोला ना। बहुत ही दर्दनाक दर्द था, जल्दी भाई भाई कहो, भाई कहो, भाई बुद्धू ऊपर देख। भाई मेरा शायद, कोई बात नहीं छोटे, और शायद मिल जाएगा, चलो अब चलते हैं। ठीक है। कैसे हैं सब लोग? क्या शानदार खातिरदारी है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। बताओ मुझे, कोई तो बताओ। लखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? नौकरी से हाथ धोना चाहते हो या और कुछ? नहीं चाहिए आपकी भाई, आप नौकरी सुना आपने, मैं खून पसीना करके काम करता हूँ और आप अकेले मलाई खा जाते हो, और मुझे क्या मिलता है? चिल्लर, बस अब बहुत हो गया, किसी और को ढूंढ लो जिसको जरूरत पड़ी है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, खुशी बात भेजे में। मेरे ख्याल से तकला लखा पक्का जंगल छोड़ के चला जाएगा। आखिरकार मैं आजाद हूँ। अरे बस करो, मुझे चाटना बंद करो। नहीं सब लो ऐसे कितना चाट क्यों रहे मुझे। बस करो, बस करो। अपना लॉक आ गया ना। एक मिनट, बस अब बहुत हो गया, किसी और को ढूंढ लो जिसको जरूरत पड़ी है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, खुशी बात भेजे में। हेलो सर, आप ही बोल रहे हैं ना? क्या तुम लखा बोल रहे हो? हाँ सर, इरादा बदल गया नौकरी छोड़ने का? देखिए सर, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा, उस समय मुझे बहुत नींद आई हुई थी इसलिए। अच्छा, मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। लेकिन सर, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके लिए पूरा साल मुफ्त में काम करूँगा, कैसा लगा? ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है?
पेड़ भरने का टाइम। निकल जाओ गंदे कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डिनर पे हमला करने की। पापा के पेट में आ जाओ। वन अचार के साथ में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं। भाई क्या मैं भी इस अचार के साथ मोमो खा सकता हूँ? करो भाई, हम ये सब नहीं खाते, ये सब कचरा है। दुनिया भर से कंपटीटर्स को अपनी तरफ खींच लिया है, इनके हर तरीके के मुंह से लोग पागल होते जा रहे हैं। अब देखते हैं इस बंदे को। अरे वाह क्या बात है, किस तरीके से उड़ के इसने ये लात मारी है। बहुत ही जबरदस्त धमाल। मैं कभी भी उड़ने और कूदने वाली कला को समझ ही नहीं पाया, इससे तो अच्छा मैं कार्टून देख लूं। नालायक क्या था वो? अरे हम पकड़े गए। अरे वाह मुझे एक मिल गया। जान बचा कर भागो। गंदे भालू हूँ, यहाँ दोबारा नजर मत आना। ए भाई क्या हम लोग भी स्केटबोर्डिंग करें? इसमें बहुत मजा आएगा। पर हमारे पास तो स्केटबोर्ड है ही नहीं। अरे मुझे बताए, हम भी बना सकते हैं। अरे यार तुम तो बहुत ही बढ़िया हो भाई, अभी शुरू करते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस चीज से मजे ले सकता हूँ यार। वाह जल्दी करो। आ रहा हूँ। कितना मजेदार है। अरे लखा उन गंदे भालुओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर में घुस जाए? आज मैं पागल हो गया हूँ, आज तो मैं 100 पेड़ काटूंगा। हे लखा। मेरा जेर इधर देख बे लखे के बच्चे। वो गंदे भालू, मुझे यकीन नहीं आता कि वो इतनी जल्दी कला कैसे सीख गए। आखिर कैसे? मुझे भी सीखना होगा, तभी खेल का मजा आएगा। रेडी, चलो करते हैं। ये तो इतना भी आसान नहीं है। ये बेहतर है, हो सकता है इसकी वजह से मैं उन बालों को हरा दूं। चलो देखते हैं। अरे मेरी पैंट। अच्छा हुआ मेरे भांजे ने इसे यहीं पर छोड़ दिया, ये तो बच्चों का है, ये तो आराम से मैं कर ही लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर रहा हूँ इसे आराम से। मेरी कमर। ये मेरी आखिरी कोशिश है और इस बार मैं ही जीतूंगा। ये तो बहुत आसान है। ये वाला ठीक है, एक नंबर। लेकिन धीरे है, मैं वो सॉल्व कर लूंगा। ये देखो मेरा नया बोर्ड, कितना आधुनिक और कितना नया। मैं अपने आप को जीनियस कहूँ या क्या? वक्त है हथियार का इस्तेमाल करने का। अब है पेड़ काटने का वक्त। चलो। Yeah!
हाँ? वहाँ क्या हो रहा है? वो तो पक्का लखा ही होगा। हाँ? ये रुको। इस महीने का कोटा तो पहले ही पूरा हो गया। ओ लखे, बंद करिए। फिर से। तुम भी गए। अच्छी लगी होगी। ये तो बहुत ही शातिर हो गया। दब लो, चलो चले। भाग रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि थोड़ा और देर मैं उसका ध्यान बटाता हूँ, तुम मेरे सिग्नल का वेट करना। ठीक है। इसको पहले इधर वापस। तुम बच के नहीं जा सकते गंदे भालो। शाबाश मेरे भाई। अरे कहाँ गए ये लोग? बहुत हो गया, अगली बार तुम बच के नहीं जाओगे। हेलो, क्या आप है सेठ जी? मेरा आंगन पूरा लकड़ियों से भर गया है, एकदम तैयार है डिलीवरी के लिए। सच में? तुम मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो मुझे मजाक पसंद है। मैं मजाक नहीं कर रहा, एकदम तैयार है डिलीवरी के लिए। अच्छा वो अप्रेजल का क्या हुआ? दरअसल ठीक है, मैं कल ट्रक भेज दूंगा, बेहतर होगा तुम तैयार रहो। एक नंबर। अब होगी पैसों की बारिश। पैसा। मैं अमीर हो गया। आजा आजा। वहाँ उन सारी लकड़ियों को देखो भाई। हे भाई, क्या प्लान है? हमें वो सभी हटाना होगा। हे भाई, उसकी गाड़ी देखो, चलो चलाते हैं। भाई देखो। ये तो बहुत मजेदार है। वो मेरी लकड़ी है। हाँ ठीक है, आंगन से निकल जा। जब लो। ये तो बहुत दुख रहा है मुझे। फालतू कूड़े का कचरा, तुम फिर से आ गए। तीन तक गिनूंगा। मेरी आ रही। तुम गए मेरे हाथ से। अरे बार बाल बचा। बदमाश लाजवाब आसमान में उड़ने वाला घमासान 180 डिग्री वाला सुपर ट्विस्ट। तुम दोनों गंदे कहीं गए। सुना तुमने? ये कैसे बचने? अरे कहाँ चले गए? मेरा पीछा छोड़ो, बचाओ। ये देखो। ए भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम दोनों ध्यान से सुनो, अभी जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। मुझसे पंगा लोगे तो मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। आज तो हद पार हो गई, चलो यहाँ से निकलते हैं। भाई उठो, उठो भाई, भाई। रुको तुम। बला डाली। मेरी पगार भी गई।